और दोस्तों कैसे हैं आपके भाइयों एंड बहनों, आपके कैसे हैं? और उम्मीद करते हैं कि कोरोना की वजह से घर में होंगे, घर पे मिर्ची वगैरह खाते होंगे, इम्यूनिटी बढ़ा रहे होंगे या फिर खट्टी छाछ पी रहे होंगे, और तो क्या कर रहे होंगे या फिर वीडियो देख रहे होंगे। तो उन सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो देखिए, मज़े कीजिए, इंजॉय कीजिए, घर में रहिए, खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। अगर आप सफल होते हैं किस में, घर पे रहने में, तो आप जिंदा बच जाओगे, बाहर मत निकलना, वरना घर पे वो आएगा जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। और घबराए मत, जो कोरोना से घबराते हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट है, घबराए मत। यहाँ पर भारत के अंदर क्या हो रहा है कि आपसे घबराने की वजह से लोगों की मौत हो रही है, ना कि कोरोना की वजह से। ज़्यादातर घबरा जाते हैं कि आखिर मेरा कोरोना हो गया, मैं क्या करूँ, मैं मर जाऊँगा, वो हो जाएगा। सच में वो मर जाता है। आपने कहानी सुनी होगी कोबरा और एक जेलर की, जो कि इस बंदे को जेल होती है और उसको मतलब किल लगाई जाती है पैरों में, फिर भी उसके सामने कोबरा रखा जाता है पहले, और उसके बाद आंखें बंद करके किल लगाई जाती है, फिर उसको बोला जाता है कि आपको कोबरा से डसवाया जा रहा है, और आखिर उसकी मौत होती है कोबरा के जहर से। कैसे? क्योंकि उसने सोचा वही अंदर हुआ। तो आप लोग कोरोना से मत घबराइए, आप सुरक्षित रहिए, घर में रहिए, सावधान रहिए, सावधानी बरतिए, जो गाइडलाइन दी वो उसके ऊपर आप काम कीजिए, और आपका होना बहुत ज़रूरी है। आप घर से कम बाहर निकलिए, सुरक्षित रहना आपकी जिम्मेदारी है। भारत सरकार और राजस्थान सरकार दोनों ने आपको बहुत बार कहा गया कि आप घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, आवश्यक सामग्री के लिए घर से एक सदस्य निकले, और घबराए नहीं। और जो लोग व्हाट्सअप स्टेटस डालते हैं कि इतने मर गए, इतने हो गया, वो हो गया, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि जो रिकवरी होती है वो देखो, आप मरने वालों की संख्या मत देखो, क्योंकि भारत के अंदर रिकवरी बहुत ज़्यादा हो रही है और मरने वालों की संख्या अब कम हो रही है। तो उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि गलत पोस्ट ना डालें, और लोगों को जो आज हॉस्पिटल के अंदर पड़े, क्या जो कोरोना की जंग लड़ रहे, और उन जो जब भी वो वीडियो देखते हैं, या यूट्यूब खोलते हैं, या फिर वो व्हाट्सअप खोलते हैं, या स्टेटस देखते हैं, तो वो उनके सामने एक ही दिखता है कि चारों तरफ मौत ही मौत, लाश ही लाश। तो दोस्तों उनसे घबराहट होती है और वो हिम्मत हार जाते हैं और उनकी डेथ हो सकती है। तो उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग अच्छे अच्छे वीडियो डालें, मोटिवेशन वीडियो डालें, और सब लोगों को मोटिवेट करें, ना कि उनको डीमोटिवेट करें। अगर कोई कोरोना से जीत कर बाहर आया, या फिर कोरोना से जो कोरोना की जंग लड़ रहा था और उनको कोरोना ख़त्म हो चुका है, और वो बंदा जिंदा बचा हुआ और वो आया, तो उनसे रिक्वेस्ट है जो कि मतलब स्टोरी वो डालिए, गलत पोस्ट मत कीजिए। बहुत सारे लोग घबराहट की वजह से मर रहे हैं। भारत के अंदर 100 में से 70% लोग घबराहट की वजह से मर रहे हैं, ना कि कोरोना की वजह से। इसलिए आप घबराए नहीं, आप सुरक्षित रहिए, आप सुरक्षित हैं, आपकी इम्यूनिटी बहुत पावरफुल है। भारत की जो अपनी जो वातावरण है बहुत ही शानदार है और बहुत ही वातानुकूलन है। तो आप लोग घबराए मत, आप जहाँ पर भी हैं, जहाँ पर हैं वहीं रहें और सुरक्षित रहें। और हॉस्पिटल के अंदर जो भी है, जो हॉस्पिटल के अंदर कोरोना की जंग लड़ रहे, वो जल्द ही स्वस्थ होकर आपके पास पहुँचेंगे। उनसे आप सभी से प्रार्थना कीजिए, भगवान से प्रार्थना कीजिए, वो जल्द से जल्द ठीक होकर घर आएँ। आप गलत पोस्ट ना करें, और गलत जो भी डिटेल्स आती है वो उनको नकारें, और जो अच्छी पोस्ट है, जो लगता है कि लोगों के हित में है, लोगों के सपोर्ट में है, वो ही शेयर करें, और स्टेटस कम से कम गलत ना लगे, कम से कम जितना हो सके इतना डेथ के स्टेटस ना लगाए, बल्कि आप उनको मोटिवेट करने के स्टेटस लगाए, जिससे क्या होगा, उनको भी फ़ायदा और अपन को भी फ़ायदा, और कोई भी बीमार होने से बच जाएगा। अगर कोरोना हो भी गया है वो भी बच जाएगा, क्योंकि उनके अंदर एक जुनून होता है कि यार मेरे को कुछ नहीं होगा, तो कुछ भी नहीं होता। अगर उसने हिम्मत हारी, कोरोना नहीं भी हुआ हो, और वो सोचता है कि यार मेरा हो गया, ऐसा हो गया, 100% वो कोरोना की मौत नहीं मरेगा, बल्कि वो ये सोचने की वजह से मर जाएगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि गलत पोस्ट ना करें।